अगर सिंपल शब्दों में हम आपको बताएं, जब आप अपने बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको अडैप्ट कर लेते हैं कि ये आपका बिहेवियर है और ये आपकी चीजें हैं, आप इस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो एक इंडिविजुअल के लिए ये बहुत इफेक्टिव होता है कि वो अपने एवरीडे लाइफ में जैसे चैलेंजेस या जैसे डिमांड्स मिलते हैं उनको वो आराम से फुलफिल कर सके। और ज्यादा सिंपल शब्दों में बोलूंगी तो अपने इमोशंस को पहचानना, उनको रिकॉग्नाइज करना और उनके बारे में अवेयर होना कि कौन सा इमोशंस आपके किस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि उसी हिसाब से हम लोग अपने इमोशंस के बारे में और अपने इमोशंस को उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को समझना चाहिए कि इमोशंस क्या होता है। जो हम गुस्सा करते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, हमें बोरियत लगती है, हम खुश होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, ये सारी फीलिंग्स जो है ये सब हमारा इमोशन है। हमारा जो रिएक्ट करने का तरीका है और जिस तरह से हम इमोशनली अपने बातों को, अपनी चीजों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, इसी को इमोशंस बोलते हैं। ऐसा नहीं है, और हमारे लिए बहुत जरूरी भी है कि हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, क्योंकि अगर हम अपने इमोशंस को एक्चुअली एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि मेंटली और फिजिकली ये दोनों चीज आपके लिए, मतलब दोनों बेसिस पे ये बहुत जरूरी है। जो इंसान इमोशंस को बहुत अच्छे से समझता है वो सिर्फ अपने लिए ही काम नहीं कर सकता है बट दूसरों के भी इमोशंस के लिए ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपना ही इमोशन समझ में नहीं आएगा तो मैं आपके प्रॉब्लम से कैसे रिलेट कर पाऊंगी। जैसे कि मान लीजिए मैं फील ही नहीं कर पा रही हूँ कि आपके एग्जाम्स में आपको कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, नर्वसनेस लग रहा है, अगर मैं अपने इमोशंस खुद ही नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ और उनको खुद ही नहीं पहचान पा रही हूँ, तो सामने से अगर मेरी कोई फ्रेंड आके मेरे को बोलेगी कि मेरे ये इमोशंस हैं, मुझे नर्वसनेस लग रही है, तो मैं किस तरह से उसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो अगर हम इमोशंस को पहचान पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी वो फायदा ही करता है। मुझे अगर ये पता है कि मैं आज के टेस्ट में फेल हो सकती हूँ तो मुझे पता है कि मेरा इमोशन कैसा आएगा और मुझे किस हिसाब से उस इमोशंस पे रिएक्ट करना है। अगर आप अभी अपना स्क्रीन देख पा रहे होंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस है जो हम लोग हर समय फील करते हैं। हमें गुस्सा भी आता है, हमें डर भी लगता है, हम बीमार होते हैं तो वो भी हमारा इमोशंस होता है, कई बार हम बोर फील करते हैं, घबराहट होती है, कॉन्फिडेंस लगता है, बुरा लगता है, जेलसी होती है, स्टूपिड भी फील करते हैं, क्यूरियस होते हैं, हैप्पी होते हैं, सरप्राइज होते हैं। जैसे मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, मुझे घबराहट भी बहुत ज्यादा होती है, मैं कंफ्यूज भी बहुत होती हूँ, और ये सारे मेरे इमोशंस हैं जो मैं फील करती हूँ और हर इंसान फील करता है, और ये फील करना भी बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि टाइप्स ऑफ इमोशंस क्या होते हैं। आपने कभी सोचा है कि इमोशंस के भी टाइप हो सकते हैं? हमारे लिए इमोशन नेगेटिव भी हो सकता है, हमारे लिए इमोशन पॉजिटिव भी हो सकता है। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव इमोशंस की तो हमारे जहन में क्या क्या चीजें आ सकती है? अच्छा सोचना, हैप्पीनेस, इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड, लव, ये सारे इमोशंस हमारे पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। जैसे कि अच्छा फील करना, दूसरों के साथ एम्पैथी दिखाना, होप रखना, प्राइड फील करना, किसी चीज का डिजायर होना, ये सब पॉजिटिव इमोशंस हैं। नेगेटिव इमोशंस वो होते हैं जो हमारे अंदर नेगेटिविटी भरते हैं या हमारे को कुछ नेगेटिव थॉट्स के लिए अप्रोच करते हैं, जैसे सैडनेस, एंगर, लोनलीनेस, जेलसी, सेल्फ क्रिटिसिज्म। सेल्फ क्रिटिसिज्म मतलब किसी चीज के लिए हम फील कर रहे हैं कि शायद हम ही सही नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैं ये मान लूं कि मेरे को आज मैथ्स में, मैं कभी भी इस लाइफ में पास नहीं हो सकती हूँ, तो जब भी मैं मैथ्स के टेस्ट के बारे में सोचूंगी तो मेरे दिमाग में एक नेगेटिव इमोशंस हमेशा जागेगा।
और ये इमोशन जो होता है ये पॉजिटिव इमोशन के कंपैरिजन बहुत डिफिकल्ट होता है और कई बार थोड़ा पेनफुल भी होता है। जैसे कि हमारे को अगर जेलसी हो रही है, मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे दोस्तों को मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और मुझे नहीं आए हैं, तो मुझे बहुत जेलसी भी हुई है क्योंकि मेरे तो सिर्फ मार्क्स ही नहीं आते थे, पासिंग मार्क्स आ जाते थे। फ्रस्ट्रेशन भी मैंने फील किया है कि किसी चीज़ को करने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और वो नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस सेशन को ले लें कि मैं अगर बहुत मेहनत कर रही हूँ और आप मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं या मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो मुझे फ्रस्ट्रेशन भी एट द सेम टाइम फील होगा कि ये क्यों नहीं हो रहा है। डर, गिल्ट, जैसे कि हम कुछ गलत कर दें, हमारे अंदर कोई गिल्ट रह जाता है कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। डिप्रेशन, ये सारी चीजें नेगेटिव इमोशंस हैं। एंड आई होप कि आप लोग सब ये इमोशंस को फील करते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो आप अपने पॉजिटिव चीजें निकाल सकते हैं अपने नेगेटिव सोच से। अगर मैं अपने नेगेटिव इमोशंस को समझ सकती हूँ, एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि शायद मैंने बहुत वेट गेन कर लिया है और इस बात से बहुत डिप्रेस हूँ, लेकिन अगर मैंने ये फैक्ट अपने लिए एक्सेप्ट कर लिया और मैंने अगर ये मान लिया है और इस चीज को अगर मैंने अंडरस्टैंड कर लिया है, तो मुझे पता है कि मुझे इस इमोशन से कैसे निकलना है। अगर मैंने बहुत वेट गेन कर लिया है तो शायद मैं सिर्फ वेट लूज करने के लिए कोशिश कर सकती हूँ, ये मेरा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है उसके तरफ। उसके बाद ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप अपने लाइफ को मीनिंगफुल और बैलेंस बना सकते हैं। अगर नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव नहीं होगा, और अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो नेगेटिव नहीं होगा। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि हम लोग सिर्फ अच्छा ही फील करें या हम हमेशा हंसते ही रहें, क्योंकि अगर सिर्फ हंसते रहेंगे तो रोने की कैसी फीलिंग होती है ये पता नहीं चलेगी, और सिर्फ रोते रहेंगे तो हंसने की कैसी फीलिंग होती है ये कभी पता नहीं चलेगी। तो रोना भी जरूरी है ताकि हम हंसने को वैल्यू कर सकें। वैसे दूसरा पॉइंट ये है कि नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिव इमोशंस को काफी पॉइंट तक काउंटर पॉइंट करता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर नेगेटिव इमोशंस नहीं होगा तो हम पॉजिटिव इमोशंस को उतना अच्छा फील नहीं कर सकते हैं। नेगेटिव इमोशंस आपको एक्चुअली इनकरेज करता है कि आप अपनी चीजों को और अच्छा बूस्ट कर सके और अपने आप को ग्रो करने में हेल्प कर सके। जैसे कि मैंने कहा कि मैं मैथ्स में बहुत खराब हूँ, मुझे पता है कि मैं बहुत खराब हूँ, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तो मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अब फेल तो नहीं हो सकते ना, तो इसी चीज को एक्सेप्ट करके मैंने अपने आप को और बूस्ट किया और पासिंग मार्क्स के लिए तैयारी की। और थोड़ा बूस्ट करेंगे तो और बेटर चीज के लिए तैयारी करेंगे। नौकरी खोजने के लिए जाते हैं तो अगर रिजेक्शन नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि क्या क्या डिफिकल्टीज है मार्केट में। एग्जैक्टली, जब तक आप अपने इमोशंस को समझेंगे नहीं, आप अपने लाइफ में कोई भी नेक्स्ट डिसीजन या सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कोई भी डिसीजन सही और गलत तभी डिसाइड कर सकता है अगर आप अपने इमोशंस को सही तरीके से पहचान रहे हैं। क्योंकि जब तक आप अपने इमोशंस को नहीं समझेंगे तो आप दूसरे के भी इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे। तो दूसरों को इमोशंस को समझने के लिए जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को पहले समझें। उसके बाद ऑब्वियसली हमें दूसरों के इमोशंस भी समझने चाहिए, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है कि दूसरों की फीलिंग को समझकर उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करने के लिए। अब फर्ज कीजिए कि आप ही में से कोई आके मुझे कह रहा है कि मैम मैं तो अपने सब्जेक्ट में फेल हो गई, और अगर मैं उस बात पे हंस दूं तो आपको कैसा लगेगा, क्योंकि ये सही तरीका नहीं होगा ना आपके इमोशंस को रिस्पॉन्ड करने का। या फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्रेकअप हो गया और सामने वाला दोस्त अपनी दोस्त को जाके बोल रहा है कि ओ माय गॉड मेरा रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया है, और वो हंस रहा है, वो इस बात पे पार्टी कर रहा है, अनलेस तो ये कोई अप्रोप्रिएट नहीं है। तो हर इमोशंस को, दूसरे के इमोशंस को समझने के लिए जरूरी है इसलिए भी कि आप उसको अकॉर्डिंगली और सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके। फीलिंग हर्ड एंड अंडरस्टूड इज अ ह्यूमन नीड। हर इंसान चाहता है कि उसकी फीलिंग्स, उसकी बातें कोई दूसरा इंसान चाहे सुने और समझे, बिकॉज वो सब चाहते हैं कि हमारी बात जो सुन रहा है वो हमारे सिचुएशंस को समझे, ताकि हम भी
इमोशनली किसी से अटैच हो सकें और आराम से बात कर सकें। आई रिमेम्बर जब मैं क्लास 9th में थी तो मुझे इमोशंस को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मेरी मासी ने मुझसे एक बात शेयर की थी कि लाइफ में हमेशा आप अपने ऐसे किसी इंसान को खोजें जिनके साथ आप पूरी बात कर सकें, सच कर सकें, और वो इंसान ऐसा होना चाहिए कि आपकी बातों को सुनकर, आपके इमोशंस को सुनकर उसको सही तरीके से समझे और रिस्पॉन्ड करे। क्योंकि जब तक आप किसी दूसरे के इमोशंस को इमोशंस की तरह नहीं समझेंगे, आप उसको शायद उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये एक ऐसी एबिलिटी है जो हर इंसान में होनी चाहिए, क्योंकि अगर हर इंसान में है और अगर आप आसपास में भी हम अगर बेसिक इमोशंस भी लोगों को समझ के उसको उनको सहानुभूति दे सकें, तो शायद हम दूसरों के लिए, अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी एक सेफ स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे लोग अपने इमोशंस के बारे में बात करने में अच्छा फील करेंगे, और हो सकता है आपस के एक्सपीरियंस से वो लोग एक दूसरे को ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। क्योंकि हर इंसान डिफरेंट होता है, हर इंसान का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। जो मैं एक्सपीरियंस कर सकती हूँ शायद आप नहीं एक्सपीरियंस करेंगे, जो आप एक्सपीरियंस करेंगे वो शायद मैं नहीं करूंगी। तो शायद मेरे एक्सपीरियंस से आपको बेनिफिट होगा और आपके एक्सपीरियंस को, आपके एक्सपीरियंस से मेरे को बेनिफिट होगा। बट इसके लिए जरूरी है कि हम आपस में बात करें और एक दूसरे के इमोशंस को समझें। दूसरों को प्रॉब्लम सुन के आपको उसको सॉल्व करना ही है, क्योंकि कई बार आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मगर कई बार आप दूसरों की प्रॉब्लम को सिर्फ सुन के शायद आप उनसे रिलेट कर सकते हैं और उनको एक कामनेस दे सकते हैं। शायद वो सिर्फ आपसे बात करके रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वाकई उनके इमोशंस को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप उनको सॉल्यूशन दें। हर चीज का सॉल्यूशन दूसरा नहीं दे सकता है। बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जहाँ पे लोगों को खुद से ही सब चीजें करनी पड़ती हैं। बट ऑब्वियसली अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जिसके साथ आप बात कर सकते हैं, अपने इमोशंस शेयर कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला बेटर तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करे, तो ये एक अच्छी फीलिंग होती है और ये एक पॉजिटिविटी प्रोवाइड करती है लोगों को। आपके सामने एक ग्लास का फोटो भी है, आपके हिसाब से ये ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल, आप अगर इसको अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप क्या फील करेंगे? एक्चुअली हर इंसान का इमोशन डिफरेंट होता है, ये पिक्चर यही डिस्क्राइब कर रहा है कि हर इंसान के देखने का नजरिया अलग है। जब हम आप दूसरे के नजरिए से देखेंगे तो समझ में आएगा, शायद कुछ के नजरिए से ये ग्लास आधा भरा हुआ है, कुछ के नजरिए से ये ग्लास आधा खाली है। मगर ये क्यों आधा भरा हुआ है और क्यों आधा खाली है, ये जब तक आप एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। तो ऑब्वियसली एक्सप्रेसिंग इमोशंस बहुत जरूरी है आपके लिए, इसलिए क्योंकि जब आप एक्सप्रेस करेंगे अपने इमोशंस को तो आधी से ज्यादा चीजें जो होती है उसके सॉल्यूशंस, आपके प्रॉब्लम, आपके रिलेशनशिप इशू, आपके एग्जाम का टेंशन, आपके लाइफ का स्ट्रेस, आपकी नौकरी का स्ट्रेस, जॉब कैसे मिलेगा, यहाँ पे जॉब होगा कि नहीं होगा, अगर आप एक्सप्रेस करेंगे ना तो ये सारी चीजें, आधी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती है और आप बेटर फील करने लगते हैं। अगर आप अननेसेसरीली किसी इमोशंस को होल्ड करेंगे तो आप अपने लिए खुद ही एक ऐसा कंफ्यूजिंग फीलिंग या फिर एक ऐसा अनहील्ड फीलिंग जिसको आप हील नहीं कर सकते हैं, एक जिसको आप ये कह सकते हैं कि एक जख्म जैसा हो जा रहा है, जिसको आप कभी जब तक दवाई नहीं लगाएंगे वो ठीक नहीं होगा, तो बस उसको कवर करके रखने से वो ठीक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये टेंशन है कि आपका एग्जाम कैसा जाएगा, जाएगा भी कि नहीं जाएगा, मार्क्स आएगा भी कि नहीं आएगा, किस तरीके से आएगा, आपको नौकरी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, आपके रिलेशनशिप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड भाग जाएगी, बॉयफ्रेंड छोड़ के जा सकता है, लाइफ में अच्छा नौकरी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये सब इमोशंस अंदर रखे रहने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए जरूरी है कि आप किसी से बात करें, क्योंकि जब आप किसी से बात करेंगे तो शायद सामने वाला इंसान आपके इमोशंस को अगर सही तरीके से समझ गया तो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है, आपके इमोशंस को अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर सकता है।
ऑब्वियसली इसका सबसे बड़ा पर्पस ये है इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, कि आप अपनी ट्रू फीलिंग दूसरों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप अपने जो ओपन और ऑनेस्ट फीलिंग है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। मगर ओपन और ऑनेस्ट फीलिंग होने का मतलब ये नहीं है कि हमें मुझे मेरे इमोशंस अभी गुस्से में है और मुझे ऑनेस्ट होना है तो मैं किसी को एम्बेरस कर दूं या किसी के ऊपर मैं गुस्से में ब्लास्ट कर जाऊं, ये तरीका गलत होगा। एक्सप्रेस करना जरूरी है, गुस्से को भी एक्सप्रेस करना जरूरी है, मगर सही तरीके से बहुत जरूरी है। स्ट्रेस आजकल ये सबसे नॉर्मल टॉपिक चल रहा है, आपकी बॉडी रिएक्ट करती है उस चेंजेस पे फिजिकली। स्ट्रेस होना नॉर्मली पार्ट का लाइफ है। आप अपना यू कैन एक्सपीरियंस स्ट्रेस फ्रॉम योर एनवायरमेंटल बॉडी एंड थॉट्स। आप अपने एनवायरमेंट से, अपनी बॉडी से, अपने थॉट प्रोसेस से स्ट्रेस फील कर सकते हैं। पॉजिटिविटी इन पॉजिटिव लाइफ चेंजेस एज अ प्रमोशन। अगर आपके लाइफ में पॉजिटिव चीजें भी हो रही है ना तो वो भी स्ट्रेस दे सकती हैं आपको। अगर आपका नौकरी में अच्छा प्रमोशन हो गया तो भी स्ट्रेस है कि काम ज्यादा करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आपने मॉर्गेज कर लिया है किसी बड़ी चीज के लिए, प्रॉपर्टी को अपने, या लोन ले लिया है किसी चीज के बदले, तो भी आपको स्ट्रेस हो जाता है कि अगर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये लोन लिया है तो मैं कब तक चुका पाऊंगा, चुका पाऊंगा भी कि नहीं चुका पाऊंगा, कहीं डिले तो नहीं हो जाएगा, डिले होने से कहीं मेरा इंटरेस्ट तो नहीं बढ़ जाएगा। एक बेसिक लाइफ भी, जब हमारे घर में एक बच्चे का भी जन्म होता है तो भी हमको स्ट्रेस होता है कि अब इसके साथ कैसे रहेंगे, कितना दौड़ना पड़ेगा, कितना रहना पड़ेगा। तो स्ट्रेस जो चीज होती है वो आपके सराउंडिंग से ही आपके पास आती है और ये एक तरह का आपके बॉडी का रिएक्शन है जिसे आप जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये आपके साथ होना है। अगर आपको पता है कि आपको एग्जाम है तो आप जानते हैं कि इस बात को लेकर नर्वस है, और आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट वीक है, आप स्ट्रेस फील करेंगे। ये गुस्सा नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है कि ये निकल जाएगा। ये ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर रहती है, इसके बारे में आप सोचते हैं और आप फील करते हैं, अपने आसपास चीजों के से भी फील करते हैं। जरूरी नहीं है स्ट्रेस आपको सिर्फ नेगेटिव चीजों से ही हो, पॉजिटिव चीजें भी स्ट्रेस देती है। बहुत अच्छा मार्क्स आ गया, नौकरी अच्छी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, नौकरी बहुत अच्छी मिल गई, सैलरी अच्छी है कि नहीं है, प्रमोशन हो गया तो काम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, लाइफ अपने हिसाब से जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे, कुछ बहुत अच्छा असाइनमेंट बना दिए, कुछ बहुत अच्छा क्रिएटिविटी कर दिए, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, इसको हायर लेवल पे इंप्रूवमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्टेट लेवल पे रिकॉग्निशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हर तरह की चीज आपको स्ट्रेस दे रही है। इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि स्ट्रेस का रीजन क्या क्या हो सकता है। एग्जाम, ये कॉमन स्ट्रेस है जो शायद हम सब फील करते हैं। सेल्फ स्टीम, ये भी बहुत कॉमन है। हमारा कई बार ऐसा लगता है हमें कि शायद हम ज्यादा बेटर नहीं कर पा रहे हैं या बहुत कोशिश करके भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। बुलिंग, ये कई बार होता है लोगों के साथ, कोई स्ट्रांग होते हैं तो वो वीक को बुली करते हैं, जैसे कि सीनियर जूनियर को बुली करता है रैगी के नाम पे। रिलेशनशिप, ट्यूशन फीस, मिड टर्म्स, ग्रेट डिप्रेशन, स्कूल वर्क, स्टूडेंट लोन, असाइनमेंट, पीयर प्रेशर। कि पीयर प्रेशर मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि क्या होता है। पीयर प्रेशर एक तरह का प्रेशर होता है कि यूथ के ऊपर अपने एक ऑरा को बनाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जिनके पास बाइक है और अच्छे जैकेट्स हैं पहनने के लिए और आपके पास नहीं है, तो वो मेंटेन करने के लिए आप बहुत प्रेशर फील करते हैं। हमेशा आपको ये फील होता रहता है कि मेरे दोस्ती रखेंगे कि नहीं रखेंगे, बहुत ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा, मैं ये चीज मेंटेन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो पीयर प्रेशर होता है ये अमंग्स्ट यूथ सबसे ज्यादा होता है। कई बार स्टड बनने के लिए लड़के फील करते हैं, इट्स ओके टू क्राई, मगर रो कर नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम लड़के हैं। तो ये सारी बेसिक रीजंस हैं स्ट्रेस का यूनिवर्सल लेवल पे जो नॉर्मली हर इंसान फील करता है। ऑल राइट,
सैट सैट मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। अब स्ट्रेस है तो स्ट्रेस बूस्टर भी होना चाहिए। स्ट्रेस अगर जरूरत से ज्यादा होगा तो मेंटली हमारे को बहुत इफेक्ट करेगा और फिजिकली भी हमारे को वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो जरूरी है कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम अपने लिए कुछ स्ट्रेटजीज तैयार करें। ये जो आप स्ट्रेटजीज देख रहे हैं ये यूनिवर्सल लेवल पे नॉर्मली हर लोग फील करता है। जैसे कि आप अपना टाइम टेबल प्लान करें। अब अचानक कोई दिन कुछ भी तो नहीं शुरू कर सकते हैं ना। इंटरव्यू देने जाने के लिए भी आपको एक दिन पहले प्रिपेयर करना होता है। कॉलेज में कल क्या प्रिपरेशन करना है, कल क्या चीज की पढ़ाई होने वाली है, उसके लिए भी एक दिन पहले टीचर्स बताते हैं, उस हिसाब से आप भी प्रिपेयर करते हैं। तो जरूरी है कि आप अपना टाइम टेबल हमेशा बनाएं। और हर समय गेट यूज टू टाइम कॉन्स्टेंट, मतलब कि अपने टाइम के हिसाब से चले। जो चीज आपको प्रैक्टिस करनी है उसको आप रियलिस्टिक तरीके से करें, एक सही टाइम फ्रेम में करें। रात को बैठकर कोई भी काम करना, रात भर जागकर सोचना या रात भर जागकर उस बेसिस पे काम करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। गेट इनफ स्लीप। स्ट्रेस बूस्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप सही समय पे सोए। अगर आप चाहते हैं कि आप एक हेल्दी मेंटल आपका स्टेबिलिटी रहे, तो नॉर्मल गाइडलाइन जो प्रोवाइडेड है कि एक इंसान को कम से कम 7 से 8 घंटे बिल्कुल सोना चाहिए। आप एक रात पहले हर चीज प्रिपेयर कर ले कि आपको क्या क्या चाहिए, जैसे कल आपके लिए क्या क्या जरूरी है। जैसे मैं बेसिकली अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करती हूँ। अभी तो लॉकडाउन है तो हमारे को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, अदरवाइज हमारा काम बहुत हैवी हो जाता है और हमें बाहर बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। मैं एक दिन पहले ही अपनी सारी चीजें प्रिपेयर कर लेती हूँ कि मुझे कल क्या पहनना है, मुझे कल अपने बैग में क्या क्या रखना है, मुझे कल लंच में क्या बनाना है, मुझे प्रिपरेशन करना है। तो ये सारी चीजें मैं एक दिन पहले प्रिपेयर कर लेती हूँ। अपने लिए एक सेट गोल कीजिए, स्कोर कीजिए कि ओके फाइन, मुझे इस बार 33% आए हैं, मैंने सेट किया है मेरे को 45 लेकर आना है। फिर आप 45 के लिए जब अचीव करने की कोशिश करेंगे ना, तो शायद आप 45 से ज्यादा भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन एक गोल सेट करना अपने लाइफ में बहुत जरूरी है। ये सोचे कि हम कर लेंगे, क्योंकि अगर आप यही सोचते रहेंगे ऑब्वियसली नेगेटिव इमोशंस कि हमसे नहीं होगा तो वो कभी नहीं होगा। तो अगर आपने नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिवली चेंज करना है तो आपको अपने अंदर भी पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। और मैंने एग्जांपल्स खोजे हैं आप लोगों के लिए जो आप लोग देख सकते हैं कि ये भी एक तरीका है स्ट्रेस को दूर करने का। अच्छे से सोना, अपने प्रॉब्लम को सही तरीके से टैकल करना। प्रॉब्लम को टैकल करके ये मतलब नहीं है कि दो बंदों में झगड़ा हो गया तो हम कॉलर पकड़ के एक दूसरे की मार पिटाई कर रहे हैं, नहीं, बात से सॉल्व करेंगे। जितना ज्यादा हो सके स्ट्रेस को अवॉइड करेंगे। मैं अपने पर्सनली अपने लिए फील करती हूँ कि शायद एक्सरसाइज करना सबसे ज्यादा अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम हो सकता है। अच्छा खाना खाएं और सही खाना खाएं। अपनी हॉबीज पे काम करें। जैसे आपको लग रहा है कि मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो मैं पेंट कर सकता हूँ अपने स्ट्रेस रिलीव करने के लिए। कुछ लोगों को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को घूमने जाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, कुछ लोगों के लिए डांस उनका स्ट्रेस रिलीविंग है। उसके बाद मेडिटेशन एक्टिव है तो आप वो भी ट्राई कीजिए। कुछ लोग अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए वेकेशंस पे भी जाते हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसके जब भी लाइफ में लगता है वर्क प्रेशर हो या फिर फैमिली प्रेशर हो या फिर उसके बच्चों के एग्जाम की वजह से उसका प्रेशर हो करती है, तो उसको जैसे ही मौका मिलता है बूस्टर का काम करता है उसके लिए। उसके बाद वो डबल स्पीड और डबल बूस्ट के साथ वापस आती है। और पहले भी मैंने आपको कहा है स्लीप वेल, तो जरूरी है कि आप एक अच्छी नींद लें। ये एक ऐसा इमोशन है जिसके बारे में अक्सर हम बात करते हैं, और मुझे तो काफी ज्यादा इमोशंस मेरे अंदर था और मैंने वाकई इसके लिए बहुत काम किया है। इसका नाम है एंगर। एंगर होता क्या है, आप लोग फील करते हैं एंगर? किसी को ऐसा है कि बहुत ज्यादा एंगर है, किसी के लिए बहुत कम एंगर है, कोई अपने एंगर को कंट्रोल कर लेता है, कोई नहीं कंट्रोल कर पाता है? तो गुस्सा करना, एंगर बहुत नॉर्मल है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि ये एक ऐसा फीलिंग है जो इरेशनल है, अनवांटेड है, और हर बॉडी, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन ये इमोशंस को टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस करता ही करता है।
जैसे कि अगर मुझे कोई चिढ़ा दे तो मुझे पहले अगर मुझे कोई चिढ़ा देता था तो मुझे गुस्सा आ जाता था कि क्यों मुझे को चिढ़ाया। कुछ लोगों को खाने के लिए टोक दो तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, कुछ लोगों को पतला बोलने में गुस्सा आता है, कुछ लोगों को ये बोल देने से गुस्सा आ जाता है कि ये काम क्यों कर रहे हो। तो गुस्सा आपको किसी भी बात पे आ सकता है, वो आपका ट्रिगर पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। और हर इंसान का एक ट्रिगर पॉइंट होता है जहां उसे लगता है कि अब ये मेरा लास्ट पॉइंट था, यहाँ पे आपने मुझे हिट कर दिया है और मैं अब गुस्सा करने ही वाला हूँ, या अब गुस्सा हो ही जाऊंगा, ऑब्वियसली आता है। लेकिन ऑब्वियसली एंगर के बारे में एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने किसी को मोटा बोल दिया, तो अगर किसी ने मोटा बोल दिया और इस बात को उसने पॉजिटिव तरीके से लेकर अपने आप को पतला कर लिया, वो कंस्ट्रक्टिव है। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि कितनी भी आप ट्राई कर लो, अगर आप एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हो, अगर आप इसको पॉजिटिवली लेकर अपने ऊपर काम करेंगे, तो आपके लिए कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, आप शायद ज्यादा अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि ठीक है यार, वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है, ऊपर से आप उसके बारे में आर्ग्यूमेंट करेंगे उसके साथ, वो उसके लिए फायदेमंद तो डेफिनेटली नहीं है, उसको उसे कुछ मिलने वाला नहीं है, मगर आपके लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव है। तो जरूरी है कि आप अपने एंगर को एनालाइज करें इस तरीके से कि आपको पता चले कि आपका गुस्सा आपके लिए कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। कई ज्यादा बारी मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनका एंगर उनके लिए डिस्ट्रक्टिव है। जैसे मेरा खुद का एंगर मेरे लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव था, मुझे कई टाइम लगा इसको अपने लिए कंस्ट्रक्टिव बनाने का। अब जब मैं अपने मुझे गुस्सा आता है तो मैं जिम जाके एक्सरसाइज कर लेती हूँ, या फिर सो जा सुन लेती हूँ, या अपने काम पे ज्यादा ध्यान देती हूँ। अ पर्सन एक्सपीरियंसिंग एंगर विल ऑफन एक्सपीरियंस रिजल्ट। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है तो बहुत नॉर्मल है उसके लिए फिजिकल इफेक्ट भी होना। जैसे कि किसी को आपने बहुत ज्यादा किसी को बोलते हुए सुना होगा कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है, मेरा बीपी बढ़ गया है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, मेरा हार्ट रेट बढ़ गया है, या गुस्से में एकदम। तो दूसरे के हिसाब से हम ये जो मतलब दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने इमोशंस का ट्रिगर पता होना चाहिए कि आप कब फाइट करेंगे उस इमोशंस के बाद या कब फ्लाइट करेंगे। फाइट या फ्लाइट का मतलब होता है कि कब आप अपने इमोशंस को लेकर किसी से झगड़ा करेंगे, या हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को लेकर गुस्सा करके उसके बाद कहीं और चले जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा लड़ाई या आपकी लड़ाई अगर आपके किसी दोस्त से हो रही है, तो शायद आप उसको धक्का मार के ये पूछ सकते हैं कि तुम क्या बोले, क्यों बोले, किस लिए बोले। मगर अगर यही झगड़ा या यही लड़ाई या यही गुस्सा आपको अपनी मम्मी पे आ रहा है, तो शायद आप उनसे लड़ाई नहीं करेंगे, मगर जैसे मम्मी लोग कॉमनली बोलती है कि पैर पटक के आ गया, यार पटक के चली गई, तो आप वहां से चले जाते हैं, सुन लेते हैं। ऑब्वियसली झूठ से बहुत आता है, सुन लेते हैं, वहां से चले जाते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है दूसरों के तरीके का देखने का कि आपका इमोशंस का जो ट्रिगर पॉइंट है उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। और हाँ, ऑब्वियसली मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इतना ही गुस्सा करें जिससे आपके हेल्थ पे कोई इश्यू नहीं पड़े, आपका हार्ट रेट नहीं बढ़े, आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़े, आपको एड्रेनल रश नहीं हो, आप गुस्से में कुछ इम्पल्सिव डिसीजन नहीं ले लें। अब आप अपने एंगर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, मुझे लगता है ये भी जो 6 तरीका मैंने देखा है, मुझे लगता है कि एंगर को मैनेज करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको ये पता चले कि आपके गुस्से का ट्रिगर पॉइंट मतलब कि लास्ट पॉइंट क्या है। कि जब आपको ये समझ में आ जाए कि बस अब ये मेरा लास्ट है, अब इसके बाद मैं और कुछ नहीं सुन सकता हूँ, ये मेरा वार्निंग साइन है, अगर आपको ये पता चले तो आप वहां से चले जाएं, उस ट्रिगर पॉइंट को आप खुद आइडेंटिफाई करें। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप किसी इंसान के साथ बात करें, क्योंकि जब आप किसी से बात करेंगे तो आपका प्रॉब्लम शायद या आपका गुस्सा थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। सबसे आसान, लंबी सांसें लें, अपने आप को रिलैक्स करें, अपने मसल्स को रिलैक्स करें, वॉक करने जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं,
अगर आपको लग रहा है कि बहुत गुस्सा आ रहा है और वो आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो आप चुपचाप उस सिचुएशन से बाहर आ जाएं। अगर आपको पता है कि अब इस पॉइंट के बाद आप बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले हैं जो आपसे कंट्रोल नहीं होगा, तो आप उस पॉइंट के बाद बाहर आ जाएं। उसके बारे में आप उस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचें, उसे वक्त दें। शायद हो सकता है कुछ वक्त देने के बाद आप उस प्रॉब्लम को या उस गुस्से की वजह को ज्यादा अच्छे तरीके से सोचें। अपनी सोच को दोबारा रीफ्रेम करें कि क्यों हुआ ऐसा, क्या रीजन है, इसके लिए सोचें। क्योंकि जब आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको उस सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। मम्मी फायदा उठा लेती है बोलने का, ना बोलने का। वो मम्मी है इसीलिए वो फायदा उठा सकती है, वो उनका कुछ नहीं हो सकता है। मम्मी हम लोग हमारे सारे इमोशन से ग्लोबली प्रोन है, हम सिर्फ उनके साथ इमोशन एक्सप्रेस कर सकते हैं, मगर मुझे लगता है हम कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन उनके साथ नहीं ले सकते हैं। स्ट्रेस और एंगर, ये दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत सिमिलर हैं एक दूसरे के साथ, मगर एक्चुअली थोड़ी डिफरेंट भी हैं एक दूसरे से। जैसे कि स्ट्रेस गुस्से की तरह है, या हो सकता है आपको गुस्से की वजह से स्ट्रेस हो गया, या किसी चीज को आप रिस्पॉन्स देने में, ये ऐसी चीज है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेस जब भी आपको होगा वो आप अपने मन में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में आप सोचेंगे और सोचते रहेंगे। मगर एंगर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके बारे में हर इंसान कंट्रोल कर सकता है। अगर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और अगर मुझे पता है कि मैं इम्पल्सिव हो जाऊंगा तो मैं इस चीज को कंट्रोल करूंगी, ये इंडिविजुअल के हाथ में होता है। लेकिन स्ट्रेस ऐसी चीजें होती है कि मुझे पता है कि मैं उस बारे में सोच रही हूँ तो मैं सोचती रहूंगी, मैं अगर कितना भी चाहूं मैं उस सोच को हटा नहीं सकती हूँ। ये चीज ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। वेयरएज एंगर एक ऐसा इमोशंस है जो रिएक्शन होता है। जब आप कभी बहुत ऑफेंडेड फील करते हैं, या आपको कभी लगता है कि बहुत ज्यादा आपके साथ बुरा हो गया, गलत हो गया, या किसी इंसान ने कुछ ज्यादा ही आपके साथ गलत कर दिया, ये आपका एक इमोशनल रिएक्शन है जो निकल कर आता है। ज्यादा करके लोग एंगर को हर टाइम टाइम टू टाइम फील करते हैं, हर दूसरे घंटे में। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए हम लोग ये फ्रेज यूज करते हैं कि अरे उसके तो नाक पे गुस्सा रहता है, क्योंकि वो शायद बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। गुस्सा करना एक बहुत इरेशनल चीज है, एक्चुअली इसे कोई फायदा बहुत ज्यादा होता नहीं है, मगर ये एक ऐसा इमोशन है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको एक ऐसा रेंज दे देता है, आप उस इमोशन से भाग नहीं सकते, उस मोशन से भाग नहीं सकते हैं। मगर हाँ, अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद आप उस इमोशन को, एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। मैनेजिंग इमोशंस, अभी इमोशंस के बारे में हम लोग इतनी बातें कर चुके हैं, इतने टाइप का इमोशंस होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इमोशंस होता है, आप फील करते हैं कि ये डिफरेंट टाइप का इमोशंस है। इमोशंस के साथ आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कभी आपने सोचा है? तो इमोशंस को मैनेज करना भी बहुत जरूरी है, हर इमोशंस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा खुश होंगे तो वो भी खराब है, बहुत ज्यादा दुखी होंगे तो वो भी खराब है, बहुत फ्रस्ट्रेशन में है तो वो भी खराब है, बहुत गुस्सा कर रहे हैं वो भी खराब है। तो हर इंसान को में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ये चीज रियलाइज कर सके, एक्सेप्ट कर सके और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके। और जब आप ये चीजें कर लेते हैं, इसी को इमोशन मैनेजमेंट स्किल कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके साथ होना कि आप इस इमोशंस को मैनेज करें, क्योंकि अगर आप वाकई मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप अपने लाइफ में, अपने थॉट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं ला पाएंगे और बहुत गलत रिएक्टिव आउटबर्स्ट भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कि आउटबर्स्ट नहीं हो, कहीं आप ब्लास्ट नहीं कर जाएं गुस्से से, या आपका इमोशंस आपको एक्सप्रेस करने में हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को मैनेज करें। जैसे कि अगर मैं इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्रेस करूं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं कि मैंने एक गाड़ी ले ली, मगर मुझे पता है कि मेरे एक फ्रेंड है जो एक स्कूटी लेने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है, तो अगर मेरी बहुत ज़्यादा खुशी हो सकता है मेरे उस फ्रेंड को थोड़ा दुखी कर दे, तो वहां पे मुझे अपना इमोशन कंट्रोल करना है, इसलिए ताकि मैं ये समझ पाऊं कि उसे भी मेरे इमोशंस की वजह से बुरा नहीं लगे। अगर आप गुस्से की बात करें तो हो सकता है मुझे
क्योंकि मेरे फ्रेंड ने गाड़ी ले ली और मैंने नहीं ले पाई और वो ज्यादा मुझे फ्लॉन्ट कर रहा है या कर रही है, तो मुझे इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और शायद मैं गुस्से में उससे लड़ाई कर लूं। मुझे ये इमोशंस भी कंट्रोल करना होगा। खाने के ऊपर तक हमारे फ्रेंड्स के साथ बहस हो जाते हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपने रोजमर्रा लाइफ में फील करते हैं, मम्मी पापा के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, गॉसिपिंग रिलेटिव्स के साथ, कि बहुत सारे रिलेटिव्स आपके घर में आते हैं जो बोलते हैं कि क्या पढ़ाई किया, उसका बेटा वो बन गया, वो IPS बन गया, वो इंजीनियर बन गया, उसका रेलवे में हो गया। तो यहाँ पे आपको गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, खुशी भी होती होगी किन्हीं को, बट जरूरी है कि आप इसे सही तरीके से मैनेज करें। जो लोग इस चीज में अच्छे हैं, वाकई अच्छे हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, मैनेज करने में, एक्चुअली अगर वो आप अच्छे तरीके से अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं तो वो आप इवेंचुअली अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है और इस वक्त मैं अगर आर्ग्यूमेंट करूँगी तो खराब होगा, तो इसलिए मैं वेट करूंगी कि माहौल शांत हो जाए ताकि मैं अपने पॉइंट को सही तरीके से आपके पास रखूं, और अगर मेरा पॉइंट वैलिड है तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। तो अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप अपने इमोशंस को ज्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको पता होता है कि कब आपको किस वक्त क्या बोलना है और कैसे बोलना है, और हर चीज के लिए, हर सिचुएशन के लिए आप पॉजिटिवली और प्रोडक्टिवली रिएक्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज से आपको नुकसान डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन फायदा कहीं ना कहीं जरूर होगा। ये एक छोटा सा स्लाइड है, अगर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप गुस्सा है तो वहां से चले जाइए, लंबी लंबी सांसें लीजिए, पानी पीने लगिए, या जितनी चीजें आप रेड में देखते हैं काउंट कीजिए, शायद इससे आपका गुस्सा शांत हो जाए और आप थोड़ा बेटर सोच पाए। अगर आप दुखी है, सैड है, तो भी सांसें लीजिए, अच्छा कोई गाना सुन लीजिए, अगर आप गाने के शौकीन हैं, अगर आपको गाना से मूड इम्प्रूव होता है, आप अपने आसपास जितनी भी ब्लू चीजें हैं उन्हें काउंट करने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि ऐसे इमोशंस को आप लिखें। अगर आप लिख सकते हैं इमोशंस को, तो वो एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का और उसको, उस सैडनेस को अपने मन से निकालने का। अगर आप स्कैर्ड है, आप डरे हुए हैं, तो ऑब्वियसली पहला लंबी सांसें लीजिए, अपने अच्छे मोमेंट्स रिकॉल कीजिए। जब भी आपको डर लगे या आप स्कैरी फील करें, कोशिश करें ये याद करने का कि आपकी लाइफ में कितने अच्छे मोमेंट्स हैं, और अगर आप अच्छे मोमेंट्स को याद करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और ये मैंने पर्सनली किया भी है अपने लिए, इसीलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल सकती हूँ आपको कि ये बहुत फायदेमंद है। जितनी चीजें आप पर्पल में देख सकते हैं उनको काउंट कीजिए, और अगर आप ड्राइंग में अच्छे हैं या नहीं भी हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप ड्रॉ करके अपने फियर को या स्केरीनेस को अपने अंदर से निकाल लें। और अगर आप खुश हैं तो बस खुश रहिए, अपना अच्छा काम कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख पाएं। ये एक ऐसा इमोशन है जो अगर आप वाकई खुश हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास का इमोशंस, लोग अच्छे रहें, खुश रहें, तो ये काफी आसान इमोशन है इस चीज को करने का। लास्ट में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये आप देख सकते हैं, ये क्वेस्ट ऐप का हमारे पास, आप स्क्रीन पे देखिए फोटो है, ये सारे इमोशंस जिसके बारे में हम लोगों ने ब्रीफ में बात की है लाइफ स्किल के बारे में, ये आपको क्वेस्ट ऐप पे भी मिलेगा। क्वेस्ट ऐप पे आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो अगर आप रजिस्टर नहीं किया है आपने तो प्लीज रजिस्टर करिए, इट इज वेरी 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 बेनिफिशियल, आपको इससे काफी फायदा होगा। आप अपने कोर्सेज के बारे में, जो भी ईए से रिलेटेड है, आप उसको जान सकते हैं। यहाँ पे एक छोटे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या क्या कोर्सेज हैं आपके लिए, इंग्लिश है, बेसिक है, एडवांस है, लाइफ स्किल है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है,